केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। सत्ता की भूख मिटाने के लिए केजरीवाल देश को दो टुकड़ों में बांटने पर आमादा है। ये आरोप भी कोई बीजेपी वाला नहीं बल्कि खुद केजरीवाल के सबसे करीबी और आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुमार विश्वास ने लगाया है। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। तब शायद लोगों को विश्वास की बातों पर विश्वास नहीं हुआ होगा, तभी तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड जीत हासिल करने में कामयाब रही। केजरीवाल की महत्वाकांक्षा अब खुलकर बाहर आने लगी है। अब केजरीवाल खुलकर खालिस्तानियों के समर्थन में आने लगा है। केजरीवाल ने हरप्रीत सिंह बेदी को आपका हिमाचल सोशल मीडिया हेड बनाया है। ये वही हरप्रीत सिंह बेदी है जो खालिस्तान का समर्थन खुलकर करता है। जिस पंजाब पुलिस की देशभक्ति की कस्में देश खाया करता था, आज उसी पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सरकार में आते ही पंजाब पुलिस खालिस्तानियों के समर्थन में AK-47 हवा में लहराते हुए फायरिंग करते नजर आने लगी। ऐसे में कई सवाल पीछे छूटते जा रहे हैं। क्या वाकई में कुमार विश्वास ने जो कहा था वो सच है? क्या वाकई में केजरीवाल इस देश के दो टुकड़े करने पर तुले हुए हैं?